once again, I welcome you back on Career Couch with Shubhankar. जी हाँ दोस्तों, ओमिक्रॉन एक बार फिर से फैल रहा है, कोविड का एक नया वेरिएंट, और अब हम फिर से डरे हुए हैं कहीं एक बार और लॉकडाउन का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। पिछले लॉकडाउन ने हमें कई ऐसे अकस्मात होने वाली चीजों से रूबरू करा दिया। अचानक ही हर चीज जब बंदी की तरफ जाता है तो किस प्रकार हर एक इंडस्ट्री को मार झेलना पड़ता है, ये हमने देख लिया। लेकिन जब हम हर एक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा अगर आघात किसी एक इंडस्ट्री पर हुआ तो वो था टूरिज्म इंडस्ट्री। एक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हमारा देश जो है वो ग्लोबल टूरिज्म का तकरीबन 4.5% हम मार्केट अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का सेगमेंट हमारे देश का वो टूरिज्म की वजह से चलता है। कई एंसिलरी इंडस्ट्रीज होते हैं जो इस वजह से टिके हुए होते हैं क्योंकि उस जगह की जो टूरिज्म है वो वहां का मेन मार्केट होता है। मैं ज्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस की बात कर रहा हूं, चाहे वो नैनीताल हो जाए, चाहे वो कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हो जाए, चाहे वो आप सीनरिक प्लेसेस ले लीजिए, हर जगह की अपनी एक मार्केट डेवलपमेंट होती है। पिछले दिनों हमने देखा कि जैसे जैसे टूरिज्म को मार पड़ती गई, जिस प्रकार से टूरिज्म बंद होता चला गया, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसीज, एक के बाद एक कई ऐसे संगठन, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, कई ऐसी कंपनीज, फर्म्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स खत्म हो गए। हमारे देश में हम लोग किसानों की बात तो करते हैं, उनका दुख दर्द हमें दिखता है, लेकिन वो जो छोटे और मध्यम व्यवसायी होते हैं जिन्होंने कोरोना और कुछ अन्य वजहों से भी मार झेली, हम उनकी वजह उनकी दिक्कतों से हम लोग रूबरू नहीं हो पाते, उनका दर्द जो है हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाता है। मैं बात सिर्फ सरकारी उदासीनता की नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ मजबूरियों की भी बात कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, सारी बातें यहां पे सिर्फ खराबी की तरफ हम अगर बात करते चले जाएंगे, अगर हम नेगेटिविटी की तरफ बात करेंगे तो सिर्फ हमें नेगेटिव ही दिखेंगी, लेकिन नहीं, कुछ चीजें पॉजिटिव भी हो रही हैं। धीमे धीमे क्या हुआ, जब डेल्टा वेरिएंट खत्म होता नजर आया, खत्म तो नहीं हुआ फिलहाल, लेकिन हुआ ये, जैसे जैसे आंकड़े कम होते गए, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता चला गया, अनलॉक शुरू हुआ, तो फिर से एक बार लगा कि शायद टूरिज्म इंडस्ट्री एक बार अपना जो गोल्डन टाइम था, जो सुनहरा जो टाइम था, उसका सुनहरा अवसर वापस आ रहा है और खुलने भी लग गए। एयरलाइंस तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हमारे देश में प्रॉफिटेबल नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में वो तो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। एयरलाइंस खुली, उनको भी चलने का मौका मिला, जिन लोगों की नौकरियां चली गई थी एक बार वापस उनकी नौकरियां भी मिलनी शुरू हुई। और इसी दौरान में सरकार ने कुछ ऐसी कोशिशें की कि शायद उससे पर्यटन को थोड़ा बढ़ावा मिले। उन्हीं में से एक चीज ऐसा हुआ जो कि आज पिछले 40 वर्षों से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लिए खड़ा था, राम मंदिर। यहां पे मैं बात किसी कंट्रोवर्सी की नहीं करूंगा, परंतु हम यहां पे बात करेंगे करियर को लेके, क्योंकि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये करियर काउच का है, तो हमें जो पॉजिटिविटी इसमें दिखाई पड़ी वो था एक अपॉर्चुनिटी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, रिलीजियस टूरिज्म। लेकिन जैसे जैसे ये अयोध्या का बढ़ता जा रहा था, हमें लगने लगा है अब कि हाँ, वहां पे शायद टूरिज्म को अपने पांव पसारने के कई अवसर मिलेंगे। तो जब बात हम अयोध्या की करते हैं, तो जैसे जैसे अयोध्या डेवलप होता चला गया, अयोध्या से जुड़े हुआ जो पर्यटन है वो डेवलप होता चला गया, उसी से डेवलप होता गया उसके साथ के कुछ जो एरियाज हैं, जैसे कि कुशीनगर है, श्रावस्ती है, एक बुद्धिस्ट ट्रेल चलाता है लुम्बिनी, कपिल वस्तु, यानी जो कि गौतम बुद्ध जन्मस्थल कहा जाता है, वहाँ से अगर हम धीमे धीमे आते हैं आपके कासिया गांव को पार करते हुए हम कुशीनगर तक पहुँचते हैं, तो पूरा एक बुद्धिस्ट ट्रेल तैयार होता है जहाँ पे कि गौतम बुद्ध ने अपना पार्थिव शरीर रखा था। दोस्तों, टूरिज्म को लेके जगह अगर हम बात करें, स्पेशली उत्तर प्रदेश में रहते हुए, तो उत्तर प्रदेश में टूरिज्म के पितामह कहे जाने वाले प्रतीक हीरा जी को हम कैसे भूल सकते हैं। प्रतीक हीरा जी
न सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, IOTO के चेयरमैन हैं, वरन ये स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर भी हैं और फिक्की के टूरिज्म इंडस्ट्री के चेयरमैन भी हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं एक बार फिर से प्रतीक हीरा जी के साथ और जानते हैं आखिर अयोध्या, कुशीनगर, काशिया, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, श्रावस्ती ये आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही है। तो प्रतीक जी एक बार फिर से करियर काउच के इस प्लेटफॉर्म पर प्राइम टीवी के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप और टूरिज्म अब तो शायद एक दूसरे को मायने प्रदान करने लगे हैं। यूपी में रहते हुए शायद ही कोई आपसे ज़्यादा अच्छा टूरिज्म के विषय में बोल सकता है, उसको जान सकता है। और अब तो योगी जी ने आपको पूरी खुली छूट दे रखी है कि भाई अयोध्या को जो है उसके टूरिज्म को कैसे करके डेवलप किया जाए। तो सर मैं जानना चाहूँगा स्पेशली अपने दर्शकों के लिए जो कि विशेषकर स्टूडेंट्स हैं जो टूरिज्म परस्यू करना चाहते थे लेकिन पिछले जो 2 साल में थोड़े घबरा गए थे, पता नहीं टूरिज्म का क्या होगा, होटल इंडस्ट्री बंद चल रहा है, एयरलाइंस के जॉब चले जाते थे, क्या लगता है क्या हम दोबारा फिर से उस लाइमलाइट तक आ पाएंगे एज एन इंडस्ट्री? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें स्टूडियो में आज बुलाया और पर्यटन के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के सेंटिमेंट्स काफ़ी डाउन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लगभग 2 साल होने को आए, समझिए 2 साल हम टच करने वाले हैं जब इंडस्ट्री के पास बहुत ही कम काम है। होटल्स की स्थिति काफ़ी ख़राब है, एयरलाइंस की जैसा कि आपने कहा स्थिति काफ़ी ख़राब है, एयरलाइंस वैसे ही काफ़ी एक डामाडोल स्थिति में इंडिया में चल रही थी, बेटर होने लगी थी पोजीशंस, होटल्स की भी होने लगी थी, इवेंट्स आने लगे थे, पर फिर ये जो एक फर्स्ट के बाद सेकंड वेव और सेकंड के बाद एक थर्ड वेव जो आई उसने काफ़ी और सेंटिमेंट्स डाउन कर दिए और एक अनसर्टेनिटी सा माहौल जो है वो आ गया। पर उसी के साथ जो पॉजिटिव्स हैं वो उसमें हम इस तरह से देखते हैं कि अगर आप सेकंड वेव जैसे ही आपकी सबसाइड हुई, थोड़ी सी कम हुई, उसके बाद आप देखिए कि जो प्रगति टूरिज्म में डोमेस्टिक टूरिज्म को खासकर लेकर अगर हम बात करें तो होटल्स ने जिस तरह से डेवलप करा, जिस तरह से एयरलाइंस की सीट्स जो हैं वो सोल्ड आउट हुई, वो एक काबिले तारीफ है। इसमें हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि कहीं कहीं पर कुछ नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स देखने आए जहाँ पर मास टूरिज्म का एक बहुत ही खराब एग्जाम्पल देखने को आया हिमाचल में, उत्तराखंड में, जहाँ पर ऐसे फ्रिजाइल लोकेशंस पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। पर उसी के साथ अगर हम उसका भी आकलन करें पॉजिटिव का, तो उसमें हमें ये दिखता है कि लोग सिर्फ रुके हुए हैं चीज़ों को खुलने के लिए और एक सर्ज जो है वो एक तरह से वेट कर रहा है, जैसे ही ज़रा सा भी किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो ट्रैवल कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा निकल के सामने आया है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आया है कि कभी भी हमने डोमेस्टिक टूरिज्म का इतना बड़ा पोटेंशियल इंडिया में रियलाइज नहीं करा था। हमारी अपनी कंपनी जो है वो एक इनबाउंड टूरिज्म से जुड़ी हुई है जहाँ पर हम विदेशी पर्यटकों को भारतवर्ष में लाते हैं, उनको भ्रमण कराते हैं, उनको रहाते हैं, उनकी उनको सुविधाएँ देते हैं। पर आज की डेट में हमारे जैसी कई सारी इस तरह की कंपनीज थी भारत में जिन्होंने एक ट्रांजिशन करा है डोमेस्टिक की तरफ, तो इसको आप एक तरह से मार्केट एक्सटेंशन भी कह सकते हैं और हमने बहुत कुछ खुद को रीडिस्कवर करने का एक प्रयत्न करा है इस पूरे दौर में। नई जगहों को जाना है, भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने चलाया ऑनलाइन देखो अपना देश के नाम से, जिसमें हमें इतनी ज़्यादा जानकारी मिली उन जगहों की जहां पर कभी हम न गए थे, न हमने सुना था और न कभी सोचा था कि इस तरह की जगहें हमारे भारतवर्ष में एग्जिस्ट करती हैं। तो एक बहुत ही बड़ा ये स्टेप हुआ है। जहाँ तक हमारे स्टूडेंट्स का आपने सवाल पूछा, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के सेंटिमेंट्स भी उसी तरह से डाउन होंगे जो बेचारे 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं या 2 इयर्स मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं या होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इनटेक्स जो हैं वो काफ़ी लिमिटेड हो चुके हैं। पर उसी के साथ आप ये देखिए जो हम सर्ज देख रहे हैं
वो सर्च जो है एक प्रॉमिसिंग सर्च है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए। तो अगर हम इसको एक टेम्पररी फेस का लल सोचते हुए अगर हम आगे बढ़ें और हम अपने को रीस्किल करें इस दौर में, और हम थोड़ा सा संयम और पेशेंस थोड़ा सा और बरतें, तो हमारे समझ से आने वाला समय जो है वो हकीकत में एक सुनहरा अवसर हो सकता है हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री के। तो सर ये बात तो मैं मानता हूँ आपकी कि ये जो लल पीरियड है दैट इज फॉर वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड, और आगे चल के जो है इंडस्ट्री पनपना ही है। लेकिन सर साथ ही में एक बात जरूर मैं पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम रिलीजियस टूरिज्म को जैसे बढ़ता देख रहे हैं, मेरा एक प्रश्न पिछला ये भी था कि अयोध्या बढ़ रहा है और इसके माध्यम से एक नया अपॉर्चुनिटी यूपी के सामने है, लेकिन वॉट अबाउट द अदर स्टेट्स, जैसे दूसरे स्टेट्स में हर जगह तो राम जन्मभूमि नहीं बना है, और बहरहाल ये ट्रेंड है और अभी भी राम जन्मभूमि बनने में टाइम है, तो तब तक टूरिज्म क्या डेवलपमेंट स्टेप्स ले रहा है इन एरियाज में? देखिए हमारा मानना ये है कि एक कहावत है, दुख में स्मरण सब करें। तो अभी जो समय चल रहा है वो कोरोना की वजह से दुख का ही समय चल रहा है, और दुख के समय जो है हर व्यक्ति जो है वो आध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रिलीजन की तरफ जो है उसका एक ऑटोमेटिक झुकाव होता है। अगर आप ट्रेंड्स देखिए तो काशी एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी बन के सामने आया। हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ पर एक काशी कॉरिडोर का सपना देखा था, और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत ही पतली गलियाँ, गंदगी और पहुँचना दुश्वार, इस तरह की चीज़ें थी जिसके लिए हमारी इंडस्ट्री, जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, जो हाई एंड ट्रैवलर्स थे, उनको ये एक्सक्यूज़ देखते थे कि ये सबसे प्राचीन शहर है, ये सबसे सभ्यता यहाँ पर पहले आई थी, इस वजह से यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। बड़ा एक बचकाना से एक्सक्यूज़ था गंदगी के लिए और बहुत सक्रिय गलियों के लिए और जितनी भी डिफ़िकल्टीज थी उनके लिए। पर वो सपना हमारे प्रधानमंत्री ने देखा और उसको सच कर दिखाया। उसी के तर्ज पे अगर आप देखिए तो जब अयोध्या का डिसीशन आया तो उन्होंने अयोध्या का भी कॉरिडोर, राम मंदिर तो एक एस्पेक्ट है अयोध्या का, पर अयोध्या को हमें एक टोटालिटी में देखना चाहिए। एक राम नगरी है, उसमें कई सारे टेंपल्स हैं और बहुत उसकी एक यूनिक हिस्ट्री और स्टोरी उसके अराउंड है, एक एक्सपीरियंशियल डेस्टिनेशन है। वो उन्होंने अयोध्या रीडेवलपमेंट की बात करी जो कि अब साकार होता नज़र आ रहा है, और ये और वहाँ पर ये माना जा रहा है कि जो हमारा फुटफॉल मक्का का और फुटफॉल हमारा जो इस तरह के जो रिलीजियस डेस्टिनेशंस हैं, वैटिकन है, उससे भी ज़्यादा फुटफॉल जो है वो अयोध्या में होगा। और अभी की हम अगर बात करें तो 1 जनवरी को इतनी ज़्यादा भीड़ अयोध्या में और काशी विश्वनाथ टेम्पल में हो गई थी, ये सिर्फ एक हाइप के वजह से था, ये एक पब्लिसिटी थी जो इतनी ज़्यादा हो चुकी थी जिसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया गया था कि आपको काशी आना है या आपको अयोध्या आना है, पर लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने साल के पहले दिन की शुरुआत, इस नए साल की शुरुआत जो है वो काशी जाके, अयोध्या जाके हम क्यों ना करें, जैसे हमारा आने वाला साल जो है वो एक ब्लेस्ड ईयर हो। तो एक बहुत ही ह्यूज सर्ज देखने को वहाँ आया जो कि पहले कभी नहीं इस तरह। तो ये विजन जो है ये कहीं ना कहीं जो है ये एक फैक्चुअल विजन था, एक फैक्चुअल सोच थी सरकार की, जो प्रदेश सरकार ने भी देखी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी देखी। उसी के तर्ज पे आपको ये मालूम होगा कि हमारा विंध्याचल कॉरिडोर जो है वो भी अनाउंस हो गया और उस पर भी काम शुरू हो गया, हमारा रोपवे तैयार हो गया। और चित्रकूट की बात करिए अगर, तो मध्य प्रदेश में आधा हिस्सा, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में जाता है, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है, उसका रीडेवलपमेंट प्लान। और फिर जैसा कि आप अपने इनपुट में बता रहे थे कि बुद्धिस्ट टूरिज्म, किसी ने नहीं सोचा था कि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इतना अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर हमारे पास मल्टीपल रनवेज हो सकते हैं, किसी ने नहीं सोचा था कि अयोध्या में एक एयरपोर्ट हो सकता है जहां पर हमारे पास डायरेक्ट फ्लाइट्स होंगी। तो ये एक उत्तर प्रदेश की बात है, पर इसी के साथ आप देखिए जो हमारे एडजॉइनिंग, हम बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, जितना भी आपका पर्यटक रिलीजियस टूरिज्म से कनेक्टेड है, चाहे वो आप तिरुपति की बात करें, चाहे उत्तराखंड में आप चार धाम की बात करें, जितनी भी आप बात करेंगे वो जितना फुटफॉल रिलीजियस टूरिज्म का है डोमेस्टिक सेंस में उतना कहीं पर भी
नहीं होता है, और हर जगह की इसी तरह से बात है। आप कुंभ की बात करिए, हमारे पास यूपी में एक कुंभ आता है जो कि आपका प्रयागराज में होता है महाकुंभ, उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको वो बड़ा टैक्टफुली उन्होंने उसको अर्ध कुंभ को नाम जो है वो उन्होंने कुंभ दे दिया। लेकिन प्रतीक जी, मैं माफ करिएगा मैं बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन अभी आपने मेंशन किया था कुशीनगर में एयरपोर्ट का, बात तो बिल्कुल सही है कि कुशीनगर में एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जो कि पब्लिक डोमेन में रहेगा और उसका इस्तेमाल जो है इस पूरे सेक्टर के में इस्तेमाल के लिए रहेगा, अच्छी खबर है। लेकिन सर इस पे भी तो एक विवाद था, क्योंकि वो एयरपोर्ट शायद पहले एग्जिस्ट करता था। एयरफोर्स का कहना था कि ये तो हमारे भाई वहाँ के जो रनवेज हैं वो बेसिकली दैट वॉज मेंट फॉर द एयरफोर्स फ्लाइट्स, तो वो उनका कहना है कि भाई रनवे तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, आपने तो बाहर भवन बनाया और आपने करार कर दिया कि भाई नाउ इट इज फॉर द पब्लिक डोमेन, और आपने दिखाया कि नया एयरपोर्ट आ गया, तो ये इसको लेकर देखिए कमर्शियल एयरपोर्ट और जो एयरफोर्स के एयरपोर्ट्स हैं वो बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं। अगर आप आगरा का एयरपोर्ट देखें वो भी एयरफोर्स के हाथ में, गोरखपुर का एयरपोर्ट देखें वो भी एयरफोर्स पर। आज की बात हम ये बात करें कि किस तरह से हमने उन रनवेज को कमर्शियल वायबिलिटी के लिए यूज़ करने के लिए और कनेक्टिविटी पूरे भारतवर्ष में देने के लिए, क्योंकि आज की डेट में आप ये नहीं सोच सकते कि एयरपोर्ट जो है वो एक लग्जरी है। समय बदल चुका है, हर 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 तबके का आदमी जो है वो आज वो सक्षम है कि वो एक हवाई यात्रा कर सकता है। तो ये अब बाइफिकेशन करना कि बस और रेलवे जो है वो सिर्फ एक लोअर मिडिल क्लास या एक उसके लिए बना हुआ है और फ्लाइट्स जो हैं वो क्लासेस के लिए बनी हुई हैं, ये बाइफिकेशन आज की डेट में ये बेईमानी है, गलत है, हम समझते हैं इस तरह का बाइफिकेशन देखना। तो गवर्नमेंट ने जो है अपनी स्कीम से जो अनयूजबल हमारे एयर स्ट्रिप्स थे उनको पिकअप करा, उन को यूजबल बनाया, कमर्शली वायबल बनाया और कनेक्टिविटी देना शुरू करी। एयर स्ट्रिप्स बहुत जगहों पर एग्जिस्ट कर रहे थे, उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत थी। आप देखिए हमारे लखनऊ राजधानी में जो है एक और नया टर्मिनल, बहुत भव्य टर्मिनल जो आ रहा है, उसके बाद आप एक विजन देखिए जो नोएडा में एयरपोर्ट का विजन देखा गया है, वो हम समझते हैं कि एशिया का बहुत ही लीडिंग एक एयरपोर्ट बन के सामने आएगा जब ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो शेप लेगा। तो विजन है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म के लिए बिल्ड करना शुरू कर दिए हैं और टोटैलिटी में और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में गवर्नमेंट जो है टूरिज्म को एक इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ की तरह से देख रही है। डन, बहुत सही बात है कि गवर्नमेंट के पास एक विजन है टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसको डिलीवर कर भी रही है। माना मैंने आपकी बात को, लेकिन वही कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। जब बात एविएशन इंडस्ट्री की अगर होती है सर, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि धीमे धीमे हम जिस तरह बढ़ रहे हैं, LCA डेज आर गॉन, जो लो क्लास एविएशन जो हो रहा था जो उस समय जो है एक मतलब देखा जाता है भेड़ चाल चली जा रही थी कि भाई हर कोई एवरीबॉडी वाज आफ्टर LCAs, टिकट्स के दाम जो थे वो साहब कोरोना से ज़्यादा नहीं, अब 2-3 साल पहले तक जाए तो भाई 1200-1300 तक पे आ चुके थे जब हम लोग लखनऊ दिल्ली फ्लाई करते थे। आज वही टिकट 3500-4000 के नीचे के टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि एविएशन इज फॉर एवरीवन, एयरलाइंस इज फॉर एवरीवन, कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि LCAs का धीमे धीमे मिट जाना वो इस फैक्ट को एक चैलेंज करता नजर आ रहा है। देखिए फिर वहीं पर बात ये आती है कि एक तो जब हम एयरलाइंस की बात करते हैं तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है, तो कौन सी एयरलाइन सर्वाइव करी, कौन सी एयरलाइन जो है वो फना हो गई, ये उनकी किस एयरलाइन ने टेक ओवर कर लिया, किस एयरलाइंस के मॉडल्स ख़राब थे। पर उसी के साथ आप देखें नई एयरलाइंस भी सामने आ रही हैं। देखिए एयर इंडिया का एक बहुत ही अच्छी डील हुई जो कि एक प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था गवर्नमेंट के लिए और एक नासूर सी बन के ये एयरलाइन गवर्नमेंट के पास, या कहा जाए टाटा ने उसको फोर्सफुली ले लिया। ये आपका वो हो सकता है पर हम समझते हैं कि जिसका था उसको मिल गया, तो देखने का नजरिया है ये, बट आई थिंक टाटा विल टेक इट अप इन द राइट अर्नेस्ट और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। इनफैक्ट एयरलाइन इंडस्ट्री की शुरुआत जो है वो टाटा ही ने करी और उसके बाद एयर इंडिया वही वाली सेम एयरलाइंस थी, तो इट इज़ बैक टू देम, सो वी आर वेरी अपबीट अबाउट इट। उसके बाद फिर देखिए नई एयरलाइंस की भी शुरुआत हो रही है
जो नई एयरलाइंस मिस्टर झुंझुनवाला ने अभी शुरू करी है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, लो कॉस्ट कैरियर में भी है, टाटा लो कॉस्ट कैरियर में भी है और फुल सर्विस एयरलाइंस में भी है। तो इसी तरह से बहुत दूसरे प्लेयर्स भी जो है इसमें एंट्री लेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। ये सब कहने के बावजूद भी मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं थोड़ा एविएशन की तरफ ज़्यादा चला जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि धीमे धीमे जैसे LCS की मैं बात कर रहा था, तो आपकी इंडिगो कह लीजिए जो इस समय जो प्राइम एयरलाइंस हमारे साथ चल रही है उसमें से मेजर्स में यही है, इंडिगो गोएयर यही है, इन दोनों की हालत कहीं ना कहीं ख़राब है। भारत में कोई भी यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग में नहीं है एयरलाइंस, और नेचुरली अगर एयर इंडिया को बेचना पड़ा, अगर ऐसा एक माहौल आ चुका था जब इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को मर्ज किया गया कि भाई कहीं ना कहीं लॉसेस को कंट्रोल किया जा सके, और ये लेकिन अंततः हुआ क्या, एविएशन धीमे धीमे नीचे ही चलता चला गया। एविएशन को बहुत ज़्यादा हमने इस इंडस्ट्री को पनपते नहीं देखा, कई नई कंपनीज आई, कई कंपनीज आई और कई कंपनीज ख़त्म हो गई। जेट एयरवेज नाउ दोज डेज आर गॉन, इससे सारा एयरलाइंस हुआ करती थी, हमें याद तक नहीं है आज। इसी तरीके से भी किंग फिशर, स्पाइस जेट सब धीमे धीमे नीचे की तरफ जा रही है। विस्तारा ने अपना ग्रोथ ही कंट्रोल करके रख दिया, दे आर ऑलमोस्ट एक बहुत ही साइजेबल यूनिट्स रह गई हैं। सर ये चैलेंज कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जहाँ पे पूरा ग्लोबली अगर देखा जाए तो एविएशन बढ़ रहा है, एयरलाइंस की बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, भारत में ये बड़ा चैलेंज हो चुका है। देखिए अगर जेट एयरवेज की बात करें तो जेट एयरवेज भी जो है वो भी एयरलाइन जो है वो दोबारा से पनप रही है। तो अगर कोई भी बिजनेस ग्रुप जो है किसी भी एयरलाइन में पैसा लगा रहा है या उसको टेक ओवर कर रहा है तो उसने कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देखी है। कुछ पॉलिसीज़ जो ज़रूर, जैसे टर्बाइन फ्यूल की हम बात करें या एयरपोर्ट के चार्जेस की बात करें, लोअर किया गया टर्बाइन फ्यूल, हाँ बहुत सारी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिसी डिसीशंस गवर्नमेंट लेती है और वो पॉलिसी डिसीशंस जो है वो काफ़ी कुछ देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कि कौन सी इंडस्ट्री जो है उसको प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के माहौल में इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट से वन टू वन डायलॉग कर पा रही है। हमारी बात जो है वो कम से कम उसको लागू करना, उसको एक्सेप्ट करना एक अलग विषय होता है पूरी तरीके से। कुछ पॉलिसी मेकर्स की भी कुछ विवशताएं होती हैं, कुछ पॉलिसी मेकर्स भी कहीं कहीं पर विवश होते हैं बहुत सारी चीज़ों से, पर जहां पर भी आप देखिए उसको एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस बनाकर वापस गवर्नमेंट उसको लाती है। अगर आप एयर इंडिया की भी बात देखिए और उसके बाद आप जेट एयरवेज की बात देखिए, ये सारी एयरलाइंस जो हैं वापस आ रही हैं, एक रीमॉडल होकर या तो वापस आ रही हैं या एक नए अवतार में वापस आ रही हैं, पर एयरलाइन एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। और जो भारतवर्ष है वो एक, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है तो इस, ये एक बहुत ही मेजर और बहुत ही इजी वे है एयरलाइन से कनेक्ट करने के लिए। सर इसी से जुड़ा एक सवाल है, अब मैं वापस आता हूँ करियर के माध्यम में, हम लोग बात बार बार करते आते हैं, थोड़ा विषय मैं दूसरी तरफ ले जा रहा था ताकि हमारे बच्चों को इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव भी पता चले। थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर कि पिछले एक दशक में या आने वाले समय में आप क्या देख रहे हैं कि एविएशन स्कूल जो थे वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, और कारण आपको अच्छा पता है। अब आपको क्या लगता है जो फ्लाइंग एंथुसियास्ट थे, जो वो जो CPL करना चाहते थे या जो इन फ्लाइट मैनेजमेंट में आना चाहते थे, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए पायलट्स की अभी भी हमारे मुल्क में कमी है, और पायलट्स के जो कोर्सेज हैं, चाहे वो आपके कमर्शियल पायलट लाइसेंस हों या स्टूडेंट पायलट, जिस तरह के भी लाइसेंसेस हों, वो काफ़ी हमारे भारतवर्ष में महंगे हैं, तो वो आउट ऑफ रीच है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए उसको अफोर्ड करना। तो हमारे ख्याल से इस पे हमारे भारत सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास पायलट्स की काफ़ी कमी है, और जिस तरह से हमारी एयरलाइन की ग्रोथ हो रही है और आने, क्योंकि अभी का जो पीरियड है आपका 2020 से लेके 2020 to 2022, इसको अलग रखते हुए हमें सारी पॉलिसीज को देखना है कि हम कहाँ पर थे 2019 में और 22 ऑन, जो सेकेंड क्वार्टर के बाद अभी ये ओमिक्रॉन वाला
जो सर्च चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जो कैलेंडर ईयर का सेकेंड क्वार्टर होगा उससे चीजें फिर बैक टू नॉर्मल आने लगेंगी। तो वहां पर कुछ हमारी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि हम किस तरह से इस तरह के स्कूल्स का और इनको इनकरेज कर सकते हैं कि लोग, क्योंकि उसमें वही डिमांड एंड सप्लाई का जब गैप होता है। स्टूडेंट्स को सर क्या कहेंगे, क्या स्टूडेंट्स को अभी भी इज दिस द राइट टाइम या उन्हें वेट करना चाहिए, अभी उनको दूसरे कुछ करियर पे ध्यान दें कि नहीं इसके लिए अभी से तैयारी रखें? आई थिंक शुभांकर दिस इज द बेस्ट टाइम। I think it's not only the right time, it is actually the best time for the students to start looking for their careers in travel, tourism, aviation, hospitality. क्योंकि ये जो समय, इसको हम कहेंगे गोल्डन पीरियड ऑफ लर्निंग है, जो आपको शायद इस तरह की लग्जरी जो है फिर आगे नहीं मिलेगी। अगर हमने ये जो पिछले 2 साल थे, अगर हमने उसको बैठ के रो के बर्बाद कर दिया है तो ये हमारी खामी है। अगर हमने उसमें कुछ सीखा है, उसमें रीस्किल करा है हमने खुद को, और अभी भी हमारे पास समय है, एक 3 साल का देखिए कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है, तो ऐसा नहीं है। ये सब लोग जानते हैं और एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि पैंडमिक जो है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। ये ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर आपका पैंडमिक चलता रहेगा। अगर कोई भी इस तरह की बीमारी चलती रहती है तो उसके उसके इन एंड उसके अराउंड जो है बहुत सारे वेज इस तरह के डिस्कवर हो जाते हैं कि हम उससे निजात पा सकते हैं या उसको उसमें रहते हुए जो है हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी सकते हैं। सर, जैसे जिन्होंने होटल मैनेजमेंट किया था, हुआ क्या कि पिछले कोरोना में, चाहे वो डेल्टा वेरियंट के समय पर हो या 2021 में जो हमने शुरुआती दौर देखा वो हो, या 2020 से हम लोग झेलते चले आ रहे हैं, उसी समय पहले तो हम लोग को पता ही नहीं था, होटल्स को नहीं पता था कि कैसे रिएक्ट करें, किसी को नहीं पता था एक्चुअली बंदी होने कितने दिन के लिए जा रही है, तो सब कुछ इतना अनसर्टेन सा था। और आगे भी पीरियड मैं मान के चलता हूँ, ओमिक्रॉन भगवान करे कि वो रूप ना दिखाए जैसे कि डेल्टा ने दिखाया। खैर सर, होटल्स बंद हुई, जो ऑलरेडी जो होटल में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज थे वो कहीं ना कहीं घर बैठ गए, तो अब जो नए जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेश जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं नज़र आ रहा आपको कि जो होटल्स थे कहीं ना कहीं अगर आप देखें ओयो की खुद की जो इन्वेंट्री है वो तक गिर चुकी है। तो अब जो छोटे छोटे होटल्स थे, मैंने ऐसे कई होटल्स देखे जिन्होंने अपना बिजनेस बंद करके वहाँ पर कुछ और कर लेना ज़्यादा बेहतर समझा। होटल इंडस्ट्री के भी रूप जो है दोस्तों वो भी काफ़ी चेंज हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन देखेंगे होम स्टे अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अब क्या हुआ है कि जिनके पास छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस थे उन्होंने किसी बड़े ग्रुप के साथ हाथ मिलाना बंद कर दिया। कहीं ना कहीं ये चैलेंज दिखा। बड़े ग्रुप को जब चैलेंज मिलता है तो होता ये है कि एक जो एम्प्लॉयमेंट एक बड़े तौर से जो आगे आती है वो आनी बंद हो जाती है। यह अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है सर। Airbnb, अगर मैं अपने घर को अगर Airbnb बना देता हूँ, आई डोंट नीड दैट मच ऑफ स्टाफ और एनीथिंग एल्स टू मेंटेन इट। हम एक लिमिटेड स्टाफ के थ्रू से जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसमें जो ओपनिंग्स हुआ करती थी वो बिल्कुल लिमिटेड हो जा रही है? नहीं देखिए, ऐसा ये मानना गलत है कि लिमिटेड हो जा रही हैं, क्योंकि नए होटल्स भी उसी तर्ज पे बन रहे हैं। तो ये इस पे शायद हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कितनी नई प्रॉपर्टीज़, नई डेस्टिनेशंस जो आ रहे हैं। अयोध्या का हम लोग बहुत बात कर रहे थे और हम लोग एग्जांपल अयोध्या का ले रहे थे। आज की डेट में वहाँ पर 2 या 3 अच्छे होटल्स हैं, पर आपको ये जान के अचरज होगा कि वहाँ पर लगभग 10 होटल्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। तो आप इमेजिन करिए कि हमारा कितना इनटेक अयोध्या में आने वाला है। इसी तरह से चित्रकूट की बात है, प्रयागराज में इस दौरान पैंडमिक के दौरान जो है 2 होटल्स ऑलरेडी नए आ चुके हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो 3 होटल्स पाइपलाइन में है। एक ऑलरेडी हम ग्रुप का नाम लेना चाहेंगे कि ताज होटल का एक होटल जो है वो ऑलरेडी लखनऊ में है, 2 उनके पाइपलाइन में है, यानी कि एक शहर में 3 ताज होटल होने वाले हैं। गोरखपुर में उसका भी कारण कहीं ना कहीं यही है कि अयोध्या जाना है, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है। उसके अलावा सिर्फ अयोध्या ही नहीं है, लखनऊ इन इटसेल्फ एक अपॉर्चुनिटी है। गोरखपुर में देखिए, कोई सोच सकता था कि मैरियट और ताज वहां पर होगा? अगले 4 या 5 महीने में वहां पर ताज होगा और उसके बाद आपका मैरियट भी शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी वहां पर रेडिसन ग्रुप का एक होटल है। तो ये इंटरनेशनल चेन्स हैं, जो डोमेस्टिक हमारे टॉप ऑफ द लाइन होटल्स हैं वो सारे हमारे यूपी को या दूसरे भी, और ये सिमिलर कंडीशन
सारे स्टेट्स की है। तो ये कहना कि उनका बच्चों का इनटेक नहीं होगा, ये हम समझते हैं कि ये ऐसा नहीं है। और प्लस जब हम होम स्टेज की बात कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांड्स भी बन रहे हैं। ताज ने बंगलोज लेने शुरू कर दिए हैं जिसको वो एक स्टे में कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़े हाई एंड स्टे में। तो क्या वहाँ पर इनटेक नहीं होगा? वो एक नई अपॉर्चुनिटी है इनटेक की। एयरबीएनबी की या उसकी हम बात करते हैं, ओयो रूम्स की बात करते हैं, वहाँ पर भी एक नई अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि लोग अगर अपने घरों को या इस तरह के एक्सपीरियंशियल स्टेज, होम स्टेज बनाएंगे तो वहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। एंटरप्रेन्योरशिप की एक बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है। एक बराबर के टर्फ पे सब बैठे हैं, कोई रेवेन्यू में, कोई प्रॉफिट्स में ऊपर नीचे नहीं है। आज हमें, हम एक ऐसी लाइन पे बैठे हैं जहाँ पर सब लोग जो हैं वो रेडी हैं, और सिर्फ अब वहाँ से एक नई दौड़ शुरू होनी है। तो हमें उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहिए। सर, अगर चलिए बात हम फिर से एक बार अयोध्या पे ले जाते हैं, तो जब तक राम मंदिर बन रहा है तब तक की अगर बात करें तो एक टूरिज्म एंटरप्रेन्योर के लिए अभी फिलहाल क्या अपॉर्चुनिटी है, उसे क्या करना चाहिए? देखिए, अयोध्या में जब हम मंदिर की बात कर रहे हैं तो हमारे समझ से हम बहुत ज़्यादा अपना कंसंट्रेशन या फोकस जो है एक टेंपल पे कर रहे हैं, जो कि गलत है। कभी भी जब आप एक डेस्टिनेशन को बनाते हैं, नया एक टूरिज्म डेस्टिनेशन होता है, तो उसका पूरा दारोमदार होता है वो एक प्रोडक्ट पे नहीं होता है कभी, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बड़ा सुसाइडल होता है। अगर आप एक मंदिर की बात कर रहे हैं तो एक 3 या 4 आवर्स से ज़्यादा का, जितनी भी भीड़ होगी उससे ज़्यादा का समय नहीं लेगा वो। उसके बाद की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो होती हैं। हमारा अपना ऑफिस जो है, हमने अयोध्या का फर्स्ट टूर ऑपरेटर्स हम लोग बन के 2020 में वहां पर खोला, जबकि कोई काम वहां पर नहीं था। हम 2014-15 से जो है अयोध्या को प्रमोट कर रहे थे एक एक्सपीरियंशियल डेस्टिनेशन के लिए। ये तब की बात है जब वहां पर राम मंदिर का फैसला भी नहीं आया था, कोई बात भी नहीं थी बनने की, पर फिर भी लगभग हम 300 फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो अयोध्या लेके जा रहे थे। तो अब आपको ये देखना है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक होलिस्टिक एक डेस्टिनेशन का निर्माण होता है, तो राम मंदिर और नो राम मंदिर, अयोध्या विल स्टिल बी द प्लेस वेयर लॉर्ड रामा वॉज बॉर्न। और जब राम मंदिर एक टेंट में रामलला बैठे थे तब भी उतनी भीड़ थी, और कल एक महल बन जाएगा उस टेम्पल का वहाँ पर राम, तो ये एक आस्था की बात होती है। ये टेंट में बैठे हों रामलला या एक बहुत ही भव्य मंदिर में बैठे हों, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर ये एक मार्केट एक्सटेंड ज़रूर होगी कि लोग देखना चाहेंगे कि भाई ये भव्य मंदिर किस तरह का है, कितना खूबसूरत है, तो एक मार्केट एक्सटेंशन उनका ज़रूर होगा इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। कुशीनगर भी बराबरी से डेवलप कर रहा है और बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। वहाँ पे जितने भी मठ हैं वो अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं और लोग अब उसके बारे में जान पा रहे हैं। एक तरफ कुशीनगर की डेवलपमेंट, एक तरफ अयोध्या की डेवलपमेंट, कहीं कल के दिन में ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे बुद्धिस्ट और हमारे उसमें से भी एक वर्सेस वाली लड़ाई शुरू हो जाए कि टूरिज़्म अयोध्या टूरिज्म डेवलप करा तो उम्मीद की जा रही है कि भाई कुशीनगर उस वजह से डेवलप करेगा, जबकि अभी तक जो है जो बुद्धिस्ट सर्किट का जो टूर होता था उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। नाउ व्हाट? देखिए, कुशीनगर की अगर हम बात करें, कुशीनगर को भी हमने काफ़ी बारीकी से स्टडी करा है, और कुशीनगर में प्रॉब्लम अब तक ये थी कि एक वो वन नाइट डेस्टिनेशन बना हुआ था और लोग वहाँ से आके लुम्बिनी क्रॉसओवर कर जाया करते थे। तो पर आज की डेट में हम लोगों ने वहाँ पर कुशीनगर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस तरह की डिस्कवर करी हैं, उसको और हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बनाया है। जहाँ पर हमारे पास, जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा ने जो है अपना लास्ट मील खाया था, जो वहाँ का वन गमन मार्ग है उनका, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पर हम टूरिस्ट को रोकने के लिए जो है वो सक्षम होंगे। तो वो वन नाइट से कम 2 नाइट्स का एक डेस्टिनेशन डेफिनेटली बन जाएगा। लाइट एंड साउंड शो प्रपोज्ड है वहाँ पर, और इस तरह से इवनिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो एक तरह का हमारा जो टूरिस्ट को रोकने का मकसद है वो डायरेक्टली हमारी वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा रहता है। इस वजह से कुशीनगर एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट
डेस्टिनेशन बन के आएगा, क्योंकि वो एक इतना इम्पॉर्टेंट जगह है कि जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा को महापरिनिर्वाण अटेन हुआ, तो वहाँ पर हर जने का जाना, और कुशीनगर का मेंशन है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कि आपको कुशीनगर ज़रूर जाना है। तो कुछ जगहों के उन्होंने नाम दिए हैं जहाँ पर एक पिलग्रिमेज आपकी तभी कंप्लीट होगी, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, जब आप वहाँ पर जाएंगे, और कुशीनगर उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आई एम सीइंग दैट इट इज़ नॉट ओनली फॉर बुद्धिज़्म बट there is a huge Buddhist market, there is a lot of market which is wanting to know a lot about Lord Buddha and his teachings in the West as well. तो यूरोप में भी इस तरह की मार्केट है और अमेरिका में भी इस तरह की मार्केट है, और आज की डेट में कुशीनगर डोमेस्टिक टूरिस्ट से फुल है। सर, एक्चुअली मैं जिस बात को मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाह रहा था वो ये था कि क्या आपको ये लगता है कि फिलहाल, मैं इंटरनेशनल टूरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब तक वो बंद है उसके बारे में विषय में बात करना बेकार है, फिलहाल डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करते हैं, और अयोध्या मान के चलते हैं कि जैसे जैसे डेवलप होता जा रहा है वो एक बहुत बड़ी तीर्थस्थली बन चुकी होगी, तो अब क्या वो हिंदुओं के जो तीर्थस्थल के हिसाब से डेवलप होगा, तो जो तीर्थयात्री अयोध्या जा रहा होगा, क्या ये एक्सटेंडेड तीर्थ होगा उसका, बुद्धिस्ट एक प्लेस कुशीनगर का वो, या ये रहेगा कि जो बुद्धिस्ट जो वहाँ पे आ रहे हैं, आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल जो बुद्धिस्ट आ रहे हैं वो राम मंदिर होते हुए वहाँ से आएंगे, ऐसा कुछ? देखिए, डिपेंड करता है, ये चीज़ एक रिलीजियस टूरिज्म होता है और दूसरा स्पिरिचुअल टूरिज्म होता है। हमारा शुरू से ये मानना रहा है कि हमें रिलीजियस टूरिज्म की जगह स्पिरिचुअल टूरिज्म को ज़्यादा हमें कंसंट्रेट करते हुए प्रमोट कर, क्योंकि वो ज़्यादा एक होलिस्टिक है, वो ब्रैकेटेड नहीं है, वो एक बहुत ही वाइड है, तो उस तरह से हमें देखना चाहिए। तो अगर हम ज़्यादा प्रोजेक्शन स्पिरिचुअल टूरिज्म का करेंगे तो वाई नॉट, बुद्धिज़्म इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, whereas Lord Rama is another. So it depends on the projection and it depends how we are trying to market a particular destination. So there is no competition basically? No, there. I think both will complement. I mean, a place where Lord Rama was born, a place where Lord Buddha was born, or a place where Lord Buddha attained Mahaparinirvana, and usi ke saath Gorakhpur, जो कि एक शिवाइट सेक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेंटर है, गोरखधाम मंदिर, तो वो हमारा हो गया। फिर आप देखें कबीर स्थली, जो हमारा रास्ते में आपका पड़ेगा जब आप गोरखपुर से अयोध्या की तरफ आ रहे होंगे, पतंजलि का बर्थ प्लेस गोंडा, उसके बाद आप देखिए हमारा स्वामी नारायण, जो एक गुजराती फॉलोइंग बहुत बड़ी होती है, स्वामी नारायण का बर्थ प्लेस जो है वो आपका छपिया में, जो कि गोंडा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आपको एक होलिस्टिक वे से पूरे सर्किट को देखना पड़ेगा, इट इज़ अ ह्यूज स्पिरिचुअल सर्किट। वन थिंग वी अग्री इज दैट अब जो हमारे साथ हमारे सामने जो टूरिज्म है उसमें बहुत बड़ा जो सेगमेंट है, बहुत बड़ा मार्केट जो है वो एक्चुअली रिलीजियस टूरिज्म के हिसाब से ही पनपता दिखाई दे रहा है। बाकी की जो टूरिज्म जो रही है, जो सीनरिक टूरिज्म रही है, वो अपनी जगह पर रहेंगी, या उनको कैसे डेवलप किया जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड था ये बेसिकली हमने इसलिए किया था ताकि हम समझ सकें कि पर्यटन किसी भी प्रकार का हो उसमें जो अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं वो सभी के लिए होंगी। इस समय सिर्फ मैं सिर्फ सोच की बात नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं जो डर, घर में बैठ जाने का डर, इकोनॉमी के रुक जाने का डर, जिस तरीके से हम लोगों को बढ़ने से रोकता रहा है, ये शायद बहुत दिन के लिए नहीं है, और बहुत जल्दी ये इंडस्ट्री वापस पनप सके, होटल्स फिर से बनेंगे तो कई और नौकरियां सामने आएंगी। बहुत जरूरी है दोस्तों कि किसी भी जगह का अपने आप में डेवलपमेंट होना और उसका प्रोपोगेट होना, और इसी वजह से हम बार बार पर्यटन को सामने लाते हैं, क्योंकि जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो प्रतीक जी शायद आप इस बात को मानेंगे, तो वहाँ की जगह की जो छोटी छोटी जो प्रोडक्ट्स होते थे, वहाँ की जो एथनिक प्रोडक्ट्स होंगी वो भी सामने आती है। सर, अयोध्या को लेकर ऐसा कौन सा पॉलिसी है जो आपको दिख रहा है कि वहाँ के जो डोमेस्टिक जो छोटे छोटे जो प्रोडक्ट जो अयोध्या को एक पहचान दे सके, उसको आइडेंटिटी दे सके, वो सामने आ रही, कुछ इस विषय में बताएंगे सर? ODOP एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया, और ODOP के तर्ज पे दूसरे स्टेट्स को भी, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव जारी करा दूसरे स्टेट्स को कि आप लोगों को भी इस तरह से सीखते हुए सारे, और एक ये MSMEs
के लिए एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था, आप उस तरह से ले सकते हैं। जो उद्योग हमारे ख़त्म हो रहे थे उनके लिए, क्योंकि आपने इसकी बात करी है, तो अयोध्या में आने से पहले हम आपको बताएं, एक काला नमक राइस होता है जो कि, तो वो इतना ज़्यादा बुद्धिस्ट राइस की तरह से मार्केट करा जा रहा है सिंगापुर में, जो लोग उसको प्रसाद समझ के जो है वो ग्रहण करते हैं, तो जिसको हमने शायद कभी इतना उस पर कंसनट्रेट ने महत्व नहीं दिया होगा, पर तो इस तरह की चीज़ें सामने आई। उसके बाद पॉटरी वर्क है हमारा, वो एक सामने आया, या तुलसी की मालाएं बनने का, या लकड़ी के छोटे मंदिर बनने का, खिलौने बनने का, खड़ाऊँ बनने का उद्योग था अयोध्या से, वो जुड़ा हुआ था। तो इस तरह के उद्योग सब सामने निकल के आए, और आज के दौर में लोगों को जो छोटे कर्मी थे, दिए देखिए दिवाली पे दिए जो हैं वो लोगों ने कितना जलाना बंद कर दिए थे, पर आज अयोध्या और उसके जो इर्द गिर्द की जगहें हैं, 9 लाख दिए, 9 लाख से ऊपर का रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना। और उसी तरह से आप देखिए कि अब 12 लाख दिए की बात हो रही है। तो जो छोटे उद्यमी थे, जो छोटे कुम्हार थे जो दिए बनाते थे, वो किसी न किसी तरह से डायरेक्टली कनेक्ट हो गए हमारे अयोध्या के सेलिब्रेशन के साथ, दीपावली दीपोत्सव के साथ। तो इसी तरह के हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, और एक ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो आपने निकाला कि टूरिज्म जो है वो सिर्फ जो टूरिज्म उद्योग से जुड़े लोग हैं उन्हीं के लिए नहीं है, ये इवन अनस्किल्ड के लिए है। देखिए दिए का जो व्यापारी वो भी आज जुड़ गया है, जो दिया बनाने वाला है, जो चावल उगाने वाला है, वो इतना उसको पॉपुलराइज कर दिया गया है काला नमक राइस को, कि आप जब भी अब कुशीनगर, गोरखपुर इन जगहों पे जाएंगे तो वहां से जरूर आप 1 किलो या 2 किलो जरूर लेकर आएंगे कि ये वो राइस है जो बुद्धा ने लास्ट में खाया था। तो वो एक इस तरह का प्रोजेक्शंस है ये बेसिकली। तो सर बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि दूसरे कई उद्योग आज टूरिज्म उद्योग पर निर्भर है। सर आखिरी एक बात कि मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, स्पेशली हमारे करियर एंथुसियास्ट, हमारे बच्चों को, उनसे आप क्या कहेंगे जो लोग टूरिज्म पर्सुएंस हैं या होटल इंडस्ट्री के पर्सुएंस हैं, उनको आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए हमारा कहना यही है कि ये एक पीरियड जो है वो लग्जरी है आपके लिए, जिसमें आपको समय मिल चुका है कि आप अपने को रीस्किल करें, आप अपने को और अपनी स्किल्स जो है, मल्टी स्किल का ज़माना आ रहा है, और मल्टी स्किलिंग का मतलब ये होता है कि अब जो एक व्यक्ति है वो सिर्फ एक काम नहीं करेगा बल्कि मल्टीपल काम करेगा। अगर आपके स्टूडियो से हम कनेक्टेड बता रहे हैं कि अगर जो कैमरामैन है उसका एडिटिंग में भी हाथ उतना ही साफ होना चाहिए, जो एडिटिंग कर रहा है उसका कैमरा का भी अंडरस्टैंडिंग उतनी होनी चाहिए, तो वो एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट असेट जो है वो इंडस्ट्री के लिए सामने आता है। तो अभी के समय में आप अपने को रीस्किल करिए, चीज़ों को जानने की कोशिश करिए, नए ट्रेंड्स जो मार्केट के डेवलप हो रहे हैं उसको समझिए, पढ़िए, अपने जो रिलेशंस हैं वो इंडस्ट्री के साथ एस्टैब्लिश करिए, और अपने को जो नए स्किल सेट्स होते हैं, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर बन के जो है वो सामने आ रहा है हमारी इंडस्ट्री के लिए। टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ा एक तरह से एक हेल्पिंग हैंड बन के हमारे इंडस्ट्री के, इन सब में आप अपने को खुद को इक्विप करिए, भरोसा मत खोइए, और बस कुछ समय और बचा है जिसमें एक बहुत ही बड़ा सर्ज आने वाला है। और जैसे हम लोगों ने शुरू में भी बात करी कि हम लोग वो सर्ज का एग्जांपल जो है वो ज़रा सा भी टूरिज्म खुलता है तो वो हम उत्तराखंड में, हम हिमाचल में इस तरह की लोकेशंस पे देख चुके हैं, अयोध्या में, काशी में इस तरह के हम सर्ज देख चुके हैं। उसी के साथ बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको अवेट कर रही है आने वाले समय में। तो प्रतिकिरा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने कीमती समय से समय निकाला और आपने आके हमारे दर्शकों को बताया कि टूरिज्म में अभी भी बहुत करियर बाकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें आज यहाँ बुलाने के लिए और आपसे रूबरू होने के लिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के गेस्ट प्रतीक हीरा जी, जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री के एक्चुअली में भीष्म पितामह कहलाते हैं। और हम लोगों ने आज
बहुत अच्छे से जाना कि ये स्कोप जो है कैसे कैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में, एयरलाइंस इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में अभी भी आप रख सकते हैं। सो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। और मुझे अभी भी जो है प्रतीक हीरा जी की एक बात बहुत अच्छे से याद आ रही है कि अपने आप को मल्टी स्किल सेट के लिए बिल्कुल तैयार रखें। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है दोस्तों, बस थोड़ा सा रिसर्च करना है और देखना है कि आप में किस चीज़ की इंटरेस्ट है। और इसी के साथ आपको कोई भी क्वेश्चंस है ट्रैवल एंड टूरिज्म करियर के लिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमें खुशी होगी आपको वो सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में। तो दोस्तों हमें बताने में बहुत खुशी हो रही है कि करियर काउच ने कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। और आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें ज़रूर कॉल करिए और व्हाट्सएप करिए और देखते रहिए करियर काउच विद शुभांकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।